ये पनीर है, इसका छोटा टुकड़ा करेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे, तेल डालेंगे और गर्म होगा तो छनाएगा। अब इसको छोटा छोटा टुकड़ा में काटेंगे। जो पनीर का टुकड़ा हम बनाए थे उसको हम फ्राई कर रहे हैं। पनीर के सब्जी के लिए मसाला निकाल रखी हूँ, धनिया, मिर्चा, लहसुन, जीरा, मिर्च, गरम मसाला, प्याज। अब इसका पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो इसमें 2 चम्मच हल्दी डालूंगी। इसमें पहले जीरा डाल चुके थे, प्याज डालें, तेजपत्ता डालें और 1 मिर्च डाल देते हैं। अब इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मसाला डालेंगे, स्वाद अनुसार इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इसमें टमाटर, धनिया डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर देंगे। इस पनीर को हम छान कर गर्म पानी में फुला दिए थे ताकि जो मेरा पनीर है सॉफ्ट रहे। अब इसको, इसमें मसाला भी तैयार हो चुका है। अब पनीर को मसाला में डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर देंगे। 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे और आपको ज़्यादा पानी डालना होगा तो अपने हिसाब से और पानी डाल सकते हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब मेरा पनीर पक चुका है। अब गैस को ऑफ कर देंगे। मेरा पनीर की सब्जी बनके तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दूंगी कि मेरा पनीर का स्वाद और बढ़ जाए।